अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुबह से मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि शानवर भाई, उमरा वीज़ा पे दमाम रियाद एयरपोर्ट आने में दिक्कत हो रही है, ऐसा सुनने को आ रहा है। और एक मैसेज व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि आज किसी को ओमान एयरवेज ने आने नहीं दिया क्योंकि उनके पास उमरा वीज़ा था, उनको रियाद एयरपोर्ट आने नहीं दिया। तो ये सबका सच्चाई के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन आप लोगों को अवेयर करना है। किसी को भी मैं डराने के इंटेंशन से वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, अल्लाह गवाह है कभी मेरी सोच वैसी नहीं रही। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो भी लोग सऊदी अरब में हो, हम लोग सऊदी अरब में हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ का जो कानून है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे झूठी अफवाह फैलाने पे भी कार्रवाई होती है, वो एक क्राइम है। कोई भी स्टोरी क्रिएट करके, झूठी वीडियो बना दिए स्टोरी क्रिएट करके, वो भी क्राइम है। इसलिए यहाँ पे फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। अपना कंट्री जैसा नहीं है कि कुछ भी मैसेज स्क्रिएट कर दिए वायरल होने के लिए, या कोई भी वीडियो बना दिए वायरल होने के लिए। बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये देखिए 28 जुलाई का ये न्यूज़ है, saudiexpatriate.com में जाके चेक कर लीजिएगा। हालांकि इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से जुड़ा हुआ वीडियो है, वो मैं अपलोड करूँगा। इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये। इसमें क्या है कि एक इंजीनियर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट में झूठा टाइटल दिया हुआ था कि वो इंजीनियर है। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी दिया होगा, यहाँ पे न्यूज़ में सिर्फ सोशल मीडिया दिया हुआ। मतलब वो इंजीनियर था नहीं, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में कोई मेम्बरशिप नहीं थी, और उसने अपना टाइटल को इंजीनियर डाला हुआ था। इसके वजह से आर्टिकल 11 का वायलेशन किया उसने, और उसको जेल हुई और फाइन भी लगा, अब डिपोर्ट भी किया जाएगा यहाँ से। तो देखिए कितना छोटा सा चीज़ है ना। लोग बोलेंगे अरे फेसबुक में मैं तो कुछ भी डाल सकता हूँ, क्या दिक्कत है। दिक्कत है, कुछ भी गलत चीज़ आप नहीं कर सकते सऊदी अरब में, फोर चीज़ें या फॉल्स नहीं कर सकते। ये प्रूफ के तौर पे मैंने दिखा दिया स्टार्टिंग में ही, आप लोग देख लेना। अब आते हैं ये उमरा वीज़ा में दमाम रियाद आ सकते या नहीं आ सकते। सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों का। सुबह से मुझे इतने फैमिलीज़ का मैसेज आया, कॉल्स आया, मैं डिस्टर्ब हो गया एकदम। तो मैंने सोचा चलो यार इस पर वीडियो ही बना देता हूँ, ना जाने कौन लोग झूठी अफवाह फैला रहे, लोगों को डरा रहे। तो देखिए पहले GSCA का गाका का सर्कुलर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन पे। GSCA कौन है? जनरल एविएशन ऑफ सिविल अथॉरिटी सऊदी अरब का, उड़ान मंत्रालय। उड़ान मंत्रालय कौन है? जो जितने भी एयरलाइंस चलता है सऊदी अरब में उसका देख रेख करते हुए, उनको ऑर्डर देते हैं कि क्या क्या रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो पहले ये चीज़ होता था कि उमरा वीज़ा पे सिर्फ जद्दा मदीना में आते थे लोग। अभी इस साल उन्होंने एक सर्कुलर दे दिया है, सर्कुलर में क्या है मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ और हिंदी में भी बताऊँगा। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ दे रहा हूँ। ऑल नेशनल एंड फॉरेन एयरलाइंस मस्ट अलाउ उमरा पैसेंजर्स टू अराइव एंड डिपार्ट ऑन शेड्यूल फ्लाइट्स थ्रू एनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द किंगडम। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी एयरलाइंस है, चाहे सऊदी अरब के हो या विदेशी एयरलाइंस हो, उनसे ये बोला गया है कि जितने भी पैसेंजर्स उमरा वीज़ा पे आएंगे उनको अलाउ करना पड़ेगा, आने के लिए भी और डिपार्चर के लिए भी, चाहे कोई भी एयरपोर्ट हो सऊदी अरब का, दमाम हो, रियाद हो, जद्दा मदीना हो, कोई भी हो। तब नीचे में एक और सेंटेंस है कि जो भी एयरलाइंस ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, वायलेशन माना जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा। किसका है ये सर्कुलर? GSCA का। तो किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए कि कोई एयरलाइंस उसको आने देगा या नहीं देगा उमरा वीज़ा में। एकदम क्लियर कर लीजिए आप लोग, उमरा वीज़ा में कोई भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं आप, चाहे दमाम आओ या फिर रियाद आओ। अब और भी कुछ मैं लॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे फैमिली को उमरा वीज़ा दिया है, राइट। मुझे याद है एक शख्स अपना वाइफ को बुलाने के लिए बहुत परेशान था बेचारा, और उनका 2 दिन के अंदर मैंने काम कर दिया। उनके वाइफ गई VFS में फैमिली वीज़ा के लिए, रिजेक्ट हो गया, लोग नहीं माने। उमरा वीज़ा के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट किया उन्होंने, रात में पेमेंट किया, सुबह में उनको वीज़ा भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उमरा वीज़ा। उसका नेक्स्ट डे वो टिकट बुक करके आ गई। कहाँ पे आई? रियाद में आई। उनके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई। किसी को भी रिकन्फर्म करना है मैं नंबर दे दूंगा, बात कर लेना उनसे, उनका परमिशन भी है।
मैंने उनसे बात भी किया कि अगर इनके कोई बात करना चाहे आप बात करेंगे, वो बोले हाँ मैं बात करूँगा, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं नंबर दे दूँगा, ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा आप लोग, इतना सारा प्रूफ देने के बाद आप बात कर लेना। सेकेंड, एक बंदा अपना वाइफ को बुलाने के लिए बहुत परेशान था बेचारा, दमाम में रहते खोबर में, मोइन भाई, उनसे मेरी बात हुई, जिस दिन उनकी फैमिली आई मुझे स्पेशल उन्होंने मैसेज करके बता दिया, शानवर भाई कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरी फैमिली आ गई, दुआ भी दिए मेरे को, बहुत अच्छा लगा। उनसे रिकन्फर्म करा मैंने, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो ये जो रूमर्स फैला रहे हैं ना लोग कि नहीं आ सकते, यहाँ वहाँ से कन्फर्म कर लेना, ये सब चीज़ से बचिए आप लोग। और जो जाने में या अनजाने में झूठी अफवाह फैला रहे हैं, थोड़ा केयरफुल हो जाइए आप लोग, क्योंकि सऊदी अरब का जो कानून है ना ये बहुत स्ट्रिक्ट है, जो लोग झूठी अफवाह फैलाते वो लोग बचते नहीं हैं। जिस बंदे का प्रॉब्लम हुआ ओमान एयरवेज़ में आज मॉर्निंग में, जिनके वाइफ को आने नहीं दिया, मैंने उनसे भी बात करी, उनसे जानना चाहा कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर था या नहीं था, लेकिन वो नेगेटिव वे में लिए, इस वजह से ज़्यादा मेरा डिस्कशन नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग अगर अपना फैमिली को बुला रहे हो कोई भी एयरपोर्ट में, अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, एयरलाइंस वाले आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो एयरलाइंस वाले आपको रोक देंगे, फिर लोग एक झूठी स्टोरी बना देंगे कि फलाना का फैमिली को आने नहीं दिया, नहीं ये गलत है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए समझिए आप लोग, पासपोर्ट पे 6 महीना वैलिडिटी रहनी चाहिए, ये पहला। सेकंड, उमरा वीज़ा आपके पास होना चाहिए, वैलिड वीज़ा। थर्ड क्या है, टिकट, आने का टिकट होना चाहिए। फोर्थ क्या है, रिटर्न टिकट होना चाहिए। फिफ्थ क्या है, इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है ये भी आप रखिएगा, ये मेजर डॉक्यूमेंट है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको एयरलाइंस वाले अलाउ नहीं करेंगे। फिर बाद में आप ये मत बोलना कि एयरलाइंस वाले रोक रहे उमरा वीज़ा पे, उमरा वीज़ा की गलती नहीं है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी गलती है। अब कुछ लोग डम्मी टिकट लेके आ रहे हैं, फेक टिकट, नहीं ऐसा फेक डम्मी टिकट मत बोलिए एयरपोर्ट में। आप कोशिश कीजिए दोनों साइड का टिकट लेके आने का, प्रॉपर टिकट PNR के साथ में, रिटर्न टिकट के साथ आइए। जो लोग डम्मी टिकट वीडियो बना रहे हैं ना, इन पे भी एक्शन हो सकता है, डम्मी टिकट भी इल्लीगल है सऊदी अरब में। ओरिजिनल PNR के साथ में आपको टिकट लेके आना है। भले अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो, आप वो फ्लाइट को कैंसिल करेंगे, कैंसिल कीजिए, रीशेड्यूल कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर आपके पास रिटर्न टिकट हो, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, कोई इशू नहीं है। वैक्सीन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, टेंशन नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं। एक और चीज़, एज फैक्टर, अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है वो अकेले नहीं आ सकता, फैमिली के साथ में आना पड़ेगा। अगर फैमिली है तो आ सकता, अकेले नहीं आ सकता। 18 साल से ज़्यादा एज है वो अकेले भी आ सकता है, ये सारा चीज़ मैटर करता है। अगर सब कुछ आपका सही है तो कोई भी एयरपोर्ट में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करूँगा लगभग सारा चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को इस वीडियो में, क्लियर भी हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए आप लोग, जो लोग अपना फैमिली को बुलाएं उनका नंबर आपको मिल जाएगा, बात कर लीजिए उनसे। और उमरा वीज़ा भी किसी को चाहिए, हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग। चलिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक भी जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ना जाने कितने फैमिली टेंशन में होंगे, बेवजह वो लोग परेशान हो रहे होंगे, उनका परेशानी को दूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।